संत कबीर जी ने कहा था कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। वो अपने आप को आपसे ज्यादा ताकतवर समझते हैं। यहाँ लाठी की भी चर्चा हुई, आपने लाठी से भागते हुए लोग देखे होंगे, बड़े ताकतवर लोग, भारी भरकम लोग, मजबूत लोग। जब लाठी चलती है तो उनको मैंने भी भागते हुए देखा, लेकिन मैंने आपके गुड्डू को लाठी की तरफ भागते हुए देखा। कोई लाठी ऐसी बनी नहीं, बाबा जी को एहसास हो गया, ऐसी कोई लाठी बनी नहीं जो किसान के खून को रोक सके, जो किसान के बच्चों के आगे टिक सके। ऐसी कोई ताकत सत्ता में नहीं है। तो सत्ता से मुकाबला करना तो हम लोग जानते ही हैं, वो तो हमारे खून में है और हमारा खून भी गर्म है, ये गर्मी से आगे कोई टिकने वाला नहीं। मुझ पे भी लाठी चली थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर महिला पुलिस की ज्यादा हम भर्ती करेंगे तो महिला पुलिस कर्मी लाठी नहीं चलाएंगी, वो समझाएंगी। संत कबीर जी ने कहा था कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। जय चौधरी। सामने वाला हमें बांटने की कोशिश करेगा, सवाल किसी जाति का नहीं है। आपकी सरकार बिना भेदभाव के, वे 80-20 की बात करते हैं, हम 100% लोगों के प्रति हमारी जवाबदेही होगी, 100% जनता के लिए हम काम करेंगे। और 80-20 की बात करने वालों को मैं कह देना चाहता हूँ, मैं आपके सहारे से कह देना चाहता हूँ, अभी कल आए थे बाबा हाथरस में, कह गए कि हाथरस की हींग की महक, और हींग की जरूरत तो बाबा को पड़ी गई जब दो चरण के चुनाव हो गए, उनको बदहजमी हो गई है, तो उनको अच्छी हींग की गोली भी देंगे। और आप खूब गर्मी रखना, 20 तारीख को गुड्डू के लिए ऐसा बटन दबाना है, जो टंकी है बड़ी टंकी, ईवीएम को भर देना उसी तरह से, और एक अच्छा सा कंबल। अगर आप आशीर्वाद दो, अगर आप सहमत हो तो चुनाव के जब नतीजे खुले तो बहुत ही अच्छा सा एक नया कंबल खरीद के बाबा जी को भेज दूं। भेज दो, सब तैयार हो। धन्यवाद, जय।